गुना जिले के राघोगढ़ अंतर्गत आने वाले आवन गांव के छोटे किसान परिवार से श्री विजय सिंह लोधा के तीन पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र सुमित लोधा सीए बन चुके हैं। कक्षा 5वीं तक गणेश विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ाई की, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ की गई। इसके बाद 11वीं 12वीं के केंद्रीय विद्यालय नानाखेड़ी, गुना युवा विद्यालय गुना, एमकॉम अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से की गई। सीए बनते ही गुना के टेकरी सरकार के मंदिर पर पूजा पाठ की और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इससे पूरे आवन गांव में खुशी का माहौल है। ये सीए के रिजल्ट में मेरा सबसे ज़्यादा सहयोग है मेरे जेपी कॉलेज के इंद्र बाबा की कृपा से, तथा माता पिता भाई बहन और मेरे इष्ट मित्रों के सहयोग से मुझे आज ये सफलता देखने को मिली है, और उसके उसके लिए मैं उन सभी का तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है? मेरी प्राथमिक शिक्षा आवन गांव में गणेश विद्या मंदिर आवन स्कूल में हुई है, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक। उसके बाद फिर मेरा नवोदय में चयन हुआ, मैं फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास से लेकर 10th क्लास तक नवोदय में रहा, जवाहर नवोदय विद्यालय बजरंगगढ़ में। उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, और कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने 11th 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय गुना से किया। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी जो कि गुना के कॉलेज से युवा महाविद्यालय से किया है, और उसी उसी दौरान मैं सीए की परीक्षा के लिए अप्लाई कर चुका था। तो ग्रेजुएशन के साथ मैंने सीए का कोर्स भी साथ में किया है, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से किया है। आप कैसा लग रहा? आज का दिन मेरे लिए भाई बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण है कि मुझे ये सब कुछ देखने को मिला, और इस सफलता के पीछे बहुत लोगों ने मेरा सहयोग किया है, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? मेरा आगे का प्लान यह है कि मैं अभी जॉब प्रेफर करना चाहूँगा, जो मेरा बेसिक जो मैं सोचता हूँ, मैं फाइनेंस फील्ड में जाने का सोच रहा हूँ। तो मेरा फाइनेंस फील्ड में जाने का, अगर इस फील्ड में मुझे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वो प्रेफर करूँगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।